अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुड़ास किचन ऑफिशियल। होप आप सब खैरियत से होंगे। आज यहाँ पर मैं आपके लिए एक सुपर डिलीशियस एंड सुपर इजी आचारी कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे इंजॉय कर सकते हो विद बटर नान, तंदूरी या फिर पराठे के साथ। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में हाफ कप ऑयल ले लिया है एंड इसमें 1 लार्ज स्लाइस्ड कट अनियन ऐड किया है। अनियन को यहाँ पर अब हम फ्राई करेंगे ऑन मीडियम फ्लेम। जब अनियन लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसमें ऐड करेंगे 750 ग्राम कीमा। यहाँ पर कीमा मैंने विद बोन लिया है। अब कीमे को यहाँ पर हाई फ्लेम पर हमें अच्छे से कुक करना है विद अनियन। ये देखिए, कीमे ने अपना पानी रिलीज़ कर लिया है एंड प्लस इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट को कीमे के साथ अच्छे से कुक करेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल जो है वो निकल जाए। यहाँ पर फ्लेम को आप मीडियम कर देंगे एंड मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे फॉर 1 मिनट। 1 मिनट बाद अब इसमें ऐड करेंगे ये टमाटो का पेस्ट। ये मैंने 4 टेबल स्पून ऐड किया है। आप इसके बदले में टमाटोज भी ऐड कर सकते हो या फिर टमाटो की प्यूरी भी। एंड साथ ही ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। एंड अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड कीमे को अच्छे से भून कर लेना है। जितना कीमे को भूनोगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। कीमे को अच्छे से भून लेने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे ये 4 टेबल स्पून आचारी मसाला। यहाँ पर ये मैंने शान का ऐड किया है। आप कोई भी ब्रांड का जो आपके यहाँ पर अवेलेबल हो वो ऐड कर ले। साथ में ऐड करेंगे 4 ग्रीन चिलीज एंड 1 कप योगर्ट। योगर्ट को अच्छे से बीट कर ऐड करें। और अब इन सबको सौते करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब कीमे को ऐसे ही स्टर करते रहेंगे ऑन मीडियम फ्लेम ऑयल सेपरेट होने तक। ये देखिए फ्रेंड्स, कीमे ने ऑयल रिलीज़ कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप वाटर एंड एक बार मिक्स कर अब इसे कवर करेंगे एंड कुक करेंगे फॉर 30 मिनट्स ऑन मीडियम फ्लेम। कीमे को कुक होते हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो लीड ओपन करते हैं। कीमे को मिक्स करेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कीमा जो है वो कम्प्लीटली कुक हो गया है। अब इसके ऊपर स्क्वीज करेंगे जूस ऑफ 1 लेमन एंड साथ ही ऐड करेंगे थोड़े से फ्रेश मिंट लीव्स एंड ये जिंजर जूलियन एंड थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे एंड कुक करेंगे फॉर 1 मिनट। फ्रेंड्स, 1 मिनट बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर आचारी कीमा हमारा जो है रेडी है। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, ये इजी एंड सिंपल रेसिपी, तो क्यों ना आप भी इसे ट्राई करें एंड एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये आचारी कीमा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियोज़ की अपडेट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।